15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को और समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2020 हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष रहेगा, जहां पर ऐसे समय जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पूरे विश्व में फैली, ऐसे में हमारे देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी एवं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में एक एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की सुरक्षा की गई, साथ ही गरीबों की जो सहायता की गई है और जो बीमारी पर काबू पाया गया है पूरे विश्व के बजाय भारत देश द्वारा, वो ऐतिहासिक है, प्रशंसनीय है। साथ ही इस वर्ष में धारा 370 का हटना, पूरे भारत राष्ट्र को एक होना, साथ ही राम जन्मभूमि का शिलान्यास होना जो विगत 500 वर्षों से विवाद चलता आ रहा था, ऐसा महत्वपूर्ण वर्ष 2020 है और ऐसे पावन वर्ष के हम सब साक्षी हैं। मैं इन सब महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी आप सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूं और फिर से स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस पर मैं भारतीय जनता पार्टी जिला देवास की ओर से देवास जिले के समस्त नागरिकों को, जनता को, जनप्रतिनिधियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी भाई साहब की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। खुशहाल रहें और इस वैश्विक कोरोना महामारी में दूरियां बनाकर व्यवस्थित ढंग से सारी शर्तों का पालन करते हुए अपना जीवन यापन करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। शुभकामनाएं, धन्यवाद। मैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामना देता हूं। देश खुशहाली रहे और देश में जो कोरोना की बीमारी चल रही है उससे मुक्ति मिले और आने वाले समय में पूरे विधानसभा को नया संदेश देना चाहते हैं 15 अगस्त के उपलक्ष्य में कि जो लोकतंत्र की हत्या हुई है उसमें नया चैन करें और आने वाले समय में नए उम्मीदवार हमारा जो भी रहे कांग्रेस पार्टी का उसे जिताने का आप सभी विधानसभा वासियों से इस संदेश के माध्यम से 15 अगस्त की शुभकामना पर मैं आपको आग्रह करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी की ओर से सभी हाटबिला विधानसभा के मतदाता से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी की ओर से आप सब पुनः नए विधायक को बनाएं और देश में नया संदेश दें। 15 अगस्त की पुनः सबको बधाई, शुभकामना।